नमस्कार दोस्तों, अब ये भी की सबसे बड़ी खबर गंगा नदी को लेकर आई है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के कारण शिवाला घाट का मुख्य प्लेटफॉर्म पानी से भर गया है। इसके कारण शिवाला घाट से हनुमान घाट जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हरीश चंद्र घाट पर गंगा का पानी बाबा मसान नाथ मंदिर के ठीक नीचे पहुँच चुका है। प्रशासन ने कई प्रमुख घाटों पर बैरिकेटिंग करा दी गई है। बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश डूबने की कगार पर। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है, जबरदस्त दोस्तों यहां पर तबाही मच रही है। नदी नाले बेकाबू हो गए हैं। गंगा के अलावा यमुना नदी भी दोस्तों उफान पर आ गई है। वहीं दोस्तों वाराणसी के अंदर सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची है, क्योंकि यहां पर शिवाला घाट से हनुमान घाट पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। आपसी संपर्क कट गया है। गंगा के जलस्तर बढ़ने की रफ्तार 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रात 8 बजे गंगा का जलस्तर 62.78 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों आज रात गंगा सभी चेतावनी बिंदु को पार कर सकती है। आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। कई हजार घर पानी में डूब गए हैं। सभी घाटे दोस्तों पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पुलिस भी लगातार ड्यूटी दे रही है। सोमवार को गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के कारण शिवाला घाट का मुख्य प्लेटफॉर्म पानी से भर गया, इसलिए उसे दोस्तों बंद कर दिया है। हरीश चंद्र घाट पर गंगा का पानी बाबा मसान नाथ मंदिर के ठीक नीचे पहुँच गया है। लगभग 4 दिन पहले ही फापा मऊ के अंदर पाटनू पुल भी टूट गया है। आसपास के सभी गांव का संपर्क कट गया है। जैसा कि आपको लगभग 3 दिन पहले हमने लाइव दिखाया था कि किस प्रकार हरिद्वार के अंदर गंगा नदी बेकाबू है। वहां पर पल पल दोस्तों पानी की आवक बढ़ रही है, जबरदस्त तबाही मच रही है। आसपास के गांव पानी में डूब गए हैं और इस समय भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव की यही रफ्तार रही तो अगले 24 घंटों में कई घाट दोस्तों डूब सकते हैं। नाव उतार दी गई है, आसपास बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। निगरानी भी दोस्तों लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग 49 जिलों में आज रात ताबड़तोड़ बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आंधी तूफान चलने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों में येलो अलर्ट तो कुछ जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया। सभी से विनती है कि समय नदी नालों के पास ना जाएं, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।